नगर निगम वाराणसी की तरफ से कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए पूर्व में ही अपनी सारी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके तहत कुछ निम्न आवश्यक बातें मैं अपने मीडिया साथियों के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। सबसे जो जरूरी कार्य होता है कोविड में सैनिटाइजेशन, वो सारा कार्य हमारा रोस्टर वाइज पूरे शहर में चल रहा है, साथ ही साथ जो 84 गाँव जो शामिल हों उनमें भी हो रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी जो अपीवा कार्रवाई जो हम लोग के द्वारा की गई है नगर निगम वाराणसी के द्वारा, जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनका बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमने एजेंसी हायर करके उनका जो भी जो वेस्ट होता है संक्रमित मरीजों का, उसको अलग तरीके से उसका कलेक्शन करा के उसका निस्तारण जो है उचित तरीके से जो भी मानक होते हैं उसके अनुरूप कराया जा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ अब की बार नगर निगम वाराणसी के द्वारा किया जा रहा है जनमानस और जनहित को देखते हुए, वो टीकाकरण में सहयोग प्रदान करना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक नगर निगम वाराणसी ने अपने स्तर और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के लगभग 60,000 लोगों का टीकाकरण कराया है, जो कि प्रदेश में यह अनूठा एक प्रयोग किया गया था। और ये कार्रवाई लगातार निरंतर हमारे नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में चल रही है, और आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है विशेष रूप से जो सेकेंड डोज जो लगनी है कोविड की, वो और 15-18 वर्ष के जो आयु के जो हमारे जो बालक वर्ग है उसको 100% सैचुरेट करने में हम लोग जुटे हुए। जिला अधिकारी महोदय ने दो दिन पहले जो गाइडलाइनें दिखाई थी बताया था, उस गाइडलाइन के हिसाब से कितनी कामें हो रही हैं? सारा काम गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा है, जो भी कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन शासन के द्वारा समय समय पर दी जाती है उसके अनुरूप सारा कार्य हम लोग के द्वारा संपन्न किया जा रहा है।